सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 23 फेब और मेहुल सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। वो अपने पापा से शूज के लेजीज बंधवा रहा है, साथ में डांट भी खा रहा है कि तुझे लेजीज बांधने नहीं आते। आज स्कूल से आके पहले लेजीज बांधना सीखियो। यार ये इसको लेजीज बांधने बोलते हैं, ये देख, वो देखे तो क्या बोलेगा, दिखाएगा ही नहीं किसी का। यार लेजीज कौन देखते हैं? सभी देखते हैं यार, सारी चीजें आनी चाहिए। अगर खेलने जाएगा वहां लेजीज स्कूल नहीं बंदे होंगे ढंग से तो गिर जाएगा, भागा जाएगा, इसको क्या पता। सो गाइस, तो 10:30 बज चुके हैं और सभी लोग चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके। मेहुल तो सुबह ही चला जाता है, 8 बजे उसकी बस होती है एंड इसके पापा चले जाते हैं 10 बजे तक। मम्मी सुबह किचन में की सब्जी बना रहे हैं और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मेड आंटी काम करके चली गई, तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, डस्टिंग भी हो चुकी है, तो मैंने कहा कपड़े ही समेट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर विंटर्स के कपड़े रख के समर्स के कपड़े निकाल रही हूँ, वो सब अपना सेट वेट करना है। हर 6 मंथ के बाद ये काम बढ़ जाता है एंड ये सारे कपड़े समेटने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद फिर पापा बाहर गए हुए, तो पापा बाहर से आए हैं तो मम्मी ने उनको ब्रेकफास्ट कराया। फिर अब मुझे जाना है किचन में, सब जो है ब्रेकफास्ट वाले बर्तन भी धोने हैं और किचन साफ़ भी करनी है। तो फटाफट से मैं जाके फटाफट किचन में बर्तन साफ़ करने लगी एंड मैंने किचन साफ़ कर दी अच्छे से। किचन साफ़ करने के बाद जो है मेरा काम नहीं है कोई भी, क्योंकि आज वीरवार है तो हम कपड़े नहीं धोते हैं और इसलिए कपड़े वपड़े का कोई झंझट नहीं है। कल वाले कपड़े मैंने आज ही प्रेस किए थे तो इसलिए अब कोई काम नहीं है। अब काम होगा जब मेहुल आ जाएगा तब। इस बीच में जो टाइम है ना मेरे पास 11-12 बजे से लेकर 2 बजे का, तो इस बीच में मैं बनाऊँगी दूसरे चैनल के लिए वीडियो। बस यही टाइम होता है, शाम को कोई टाइम नहीं होता मुझे दूसरे चैनल की वीडियो बनाने का, तो इसीलिए मैं इस 2 घंटे में अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ। मैं लेने तो आई नहीं तुझे आज, मैडम लोकेशन ही नहीं भेजती। कहीं दे दिखा कितने नंबर है, बस 48.5। पहले मेरे मैथ्स के पेपर में ना लास्ट पेपर में कितने आए थे, 35। फिर एक्सीलेंट, वेरी गुड। सेकंड टॉप किया पूरे स्कूल में, क्लासेस वाली। अच्छा, वेरी गुड। टॉपर के सिर्फ मेरे से 0.5 मार्क्स आता थे, मतलब 49 आया उसके। हां, तेरे 40.5। तो आप मुझे एक्टिव रखवा देना। क्यों, आज थोड़ी नहीं जाओगे घर में? यार पापा कह रहे हैं दो, उसको कह दे किसी तरह 2 महीने रुक जा फिर करा देंगे, अभी बहुत टेंशन हो रखी है। तू बत पे पापा मम्मी की नहीं सोचता बेटा, थोड़ी सी फाइनेंशियली कंडीशन सारा कुछ करना पड़ता है। 2 महीने बाद ज्वाइन करा देंगे, ये इस महीने में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। नहीं मानता, हम तेरे को हर चीज लेके देते हैं ना टाइम पे, मतलब पेरेंट्स की कुछ वो नहीं है। ये अब मेरे से बोल तो नहीं जाना था यार। टू मंथ के बाद प्रॉमिस है करा दूंगी तेरे को ज्वाइन पक्का। मेरे को भी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ना लेने आने में, छोड़ने में, इतनी दूर एकेडमी है कैसे जाऊंगी बता, रात के टाइम पे वो रास्ता पता कितना सुनसान सा है वो। बस एक तो तू नाराज हो जाता है हर छोटी छोटी बातों पे, क्या ही करूं मैं यार। फिर यार कोई बात नहीं होती, हम तेरी सारी बात मानते हैं हमेशा। बता दे आज तक हमने तेरी किसी बात को टाला। तो 3:30 बज चुके हैं, हस्बैंड ने अपना लंच कर लिया है और पापा भी आए हैं, तो पापा को लंच मैंने दिया डाल के। और मम्मी अभी बाहर बैठे हैं कि बोल रहे हैं कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो पापा और मैं लंच कर रहे हैं, मेहुल ने भी लंच कर लिया और मेहुल आज नाराज़ हो गया क्योंकि उसका एकेडमी में एडमिशन नहीं करा रही हूँ मैं। सो गाइस, तो शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं आई हूँ बाहर। अभी मेहुल चला गया खेलने, मैंने उसको एकेडमी नहीं भेजा, उसको मनाया किसी तरह से प्यार से कि अभी नहीं भेज सकते भाई, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी इशू हो रहा है। फाइनेंशियली भी देखा जाता है, देखो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत जल्दी से थक जाता है।
नहीं कर पाएगा, और इतनी दूर जाना, बहुत दूर था इसका जो एकेडमी था, इतनी दूर जाना सेफ भी नहीं है एक्टिवा पर, क्योंकि बहुत ना ऐसे सुनसान से एरिया पड़ता है वहाँ पे। तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको डेली छोड़ने जाऊँ लेने जाऊँ। टाइमिंग क्या है 6 to 8, तो नॉट सेफ फॉर अस। एंड इसके पापा के पास भी इतना टाइम नहीं है, देखिए अगर वो इसी के पीछे लग जाएंगे तो अर्न क्या करेंगे, काम भी देखना है ना, और फिर आगे ट्यूशन भी इसकी शुरू हो जाएगी, 3 बजे स्कूल से आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, तो एकेडमी कब जाएगा। तो मतलब इसी ने इसको मनाया प्यार से कि पैसा भी चलो भर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि आगे 6th की पढ़ाई है, 6th की पढ़ाई में वर्क प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर बच्चा रिलैक्स ना करे तो फिर वही बात है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मान गया, थोड़ा टाइम लगा समझाने में बट मान गया। तो अभी दादू के साथ गया है वो पार्क खेलने के लिए, और फिर उसने बोला कि मुझे एक साइकिल दिला दो। साइकिल इसके पास पहले भी थी लेकिन वो हमारे घर से चोरी हो गई। इसकी हमने इतनी ब्रांड न्यू साइकिल लेके दी थी ना हमने 13,000 रुपये की, और इतनी अच्छी, विद इन 3 मंथ्स साइकिल चोरी हो गई घर से। और हमने इसको सरप्राइज़ दिया था बर्थडे पे, इसको बिना बताए सुबह सुबह 8 बजे हमने साइकिल बाहर मंगवाई और इसको आईज़ क्लोज करके दिखा। बट क्या करें, कि चीज़ें अब फिर बोल रहा है कि मुझे एक और साइकिल लेके दे, तो हमने कहा चलो साइकिल ले देंगे, कोई इशू नहीं है, बट एकेडमी बचा। तो अभी गया खेलने और मैं अभी घर पे हूँ, मम्मी पापा दोनों ही वॉक पे गया, मैं घर पे ही वॉक कर रही हूँ वैसे आगे पीछे यहीं पे। तो अभी शाम को मेरी फ्रेंड आने वाली है, फिर उसके साथ मैं जाऊँगी आज गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, तो मैंने कहा चलो गुरुद्वारे चलेंगे, गुरुद्वारा बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, मैंने कहा। सो गाइस, तो 7:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे। अभी तो मैंने डिनर भी नहीं बनाया है, लेकिन फ्रेंड का फ़ोन आया है कि आजा गुरुद्वारे में आई हूँ, मेरे का चल चलते ही है, मत्था टेकाते हैं जब सुबह से बोला हुआ है तो। और ये कुछ सामान है जो उसको देना है, तो फटाफट चलते हैं गुरुद्वारे। अंधेरा अंधेरा है, तो ये गुरुद्वारा हमारे घर के बहुत ही पास पड़ता है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा सजाया गया गुरुद्वारा, अंदर से तो और भी ज़्यादा प्यारा है। तो अंदर का भी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ना 3 दिन का फाइनली जो एनुअली समागम होता है ना वो होने वाला है, तो अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है, पूरे अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। हर साल ना नए तरीके से गुरुद्वारे को सजाया जाता है, और बहुत अच्छे से पार्टी आते हैं, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो कल परसों 3 दिन, मतलब 5 दिन का पूरा अच्छा सा एनुअली फंक्शन होने वाला, और जो लास्ट के 3 दिन होते हैं तो उस दिन तो ग्रैंड वाला मतलब प्रोग्राम होता है, और डे एंड नाइट में लंगर भी चलता है। तो लंगर तो आपको पता ही है गुरुद्वारे का कितना यम्मी होता है। तो ये गुरुद्वारे के बाहर का सीन है, और आप देख सकते हैं दूर से कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। और अभी तो डेकोरेशन होनी बहुत बाकी है, चल रही है डेकोरेशन, जब पूरा सज आएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा रौनक होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। सो गाइस, 8 बज चुके हैं और हम, मैं 7 बजे आई थी, पता नहीं शायद 7:30 बजे, 7:00। अब हम जा रहे हैं घर, छोड़ 7 बजे। अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं घर। तो पीछे पीछे मेहुल भी आ गया था, आपने फोन कभी बुलाया? हाँ ठीक है, मैंने बुलाया था क्योंकि लंगर चल रहा था दाल रोटी का, तो इसको बहुत टेस्ट लगती है, इसलिए फिर इसने एक दाल रोटी खाई, मैंने भी खाई, क्योंकि लंगर का जो प्रसाद होता है ना वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब घर जाके सबको मैगी खिलाने वाली हूँ मैं, है ना। तो आज बनने वाली है ये शेजवान की होट गार्लिक नूडल्स रात के डिनर में, क्योंकि पपीता खाएंगे और थोड़ा थोड़ा ये खाएंगे, मैं खा के आई हूँ, मन्नू भी खा के आया है, तो बस थोड़ा थोड़ा ये खा लेंगे, हो गया हमारा डिनर। तो पपीता खा देती हूँ, अभी पापा पहले पपीते के वेट कर रहे हैं।
तो कटा हुआ पहले से। तो यहाँ पर चटपटी वेजी मैगी तैयार होने के लिए रेडी है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा सामान मैंने काट लिया है मैगी बनाने के लिए, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। 9 बज चुकी है, बनते बनते 15 मिनट लग जाएंगे। कहने की बात होती है 2 मिनट मैगी लग जाते हैं, 20 मिनट अगर हमने वेजिटेबल्स सब डाली हैं। तो फटाफट से बनाते हैं। एंड मैं यहाँ बना रही थी नूडल्स और हस्बैंड आ गए हैं शॉप से, तो ये भी आ गए किचन में। शॉप से आते ही सबसे पहले किचन में आते देखते हैं कि क्या बनाया, और अच्छा बना हो तो चलो अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं। नहीं अच्छा बना हो तो भी खाना पड़ता है भैया, खाना तो पड़ेगा। एंड रात को सभी इकट्ठे बैठ कर डिनर करते हैं और टीवी इंजॉय करते हैं। तो 10 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मेरा जो लास्ट काम है ना किचन के, मतलब बर्तन धोना, जो डिनर वाले बर्तन थे उनका ढेर लगा हुआ है वो धोने हैं, और बस काम हो गया। सबने डिनर कर लिया है, पापा को भूख नहीं थी तो इसलिए मैगी बना दी, थोड़ी सी मैगी खाई पापा ने। मम्मी भी खा लेते हैं मैगी, हस्बैंड भी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, और हम तो वैसे ही आपको पता है शौकीन ही है। तो वो सब हो गया, और आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। लोग तो अच्छे लग ही रहे होंगे ना, जो लोग कंटिन्यू देखते हैं। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और पहले जैसे मैं घर पे ही ब्लॉग बनाती थी ना, अब मैं बाहर जाके भी बनाने लगी हूँ। वैसे शर्म तो आती है मुझे कभी, जैसे कोई लोग देखते हैं, जैसे कल मैं मॉल गई थी ना तो रास्ते में ब्लॉग शूट करने लगी, तो ऐसे ना बहुत से लोग देख रहे थे ऐसे गौर से, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। फिर मेरे माइंड में एक बात आई, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं बना रही हूँ, मेरे कौन सा रिश्तेदार लगते हैं, देखते रहो भैया। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अपना काम करो, भगवान का नाम लो। तो फिर मैं अभी शुरू कर दिया है मैंने बाहर भी ब्लॉगिंग करना। बस आप लोगों का इस तरह से प्यार मिलता रहे, आप लोग लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और इसी तरह से मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी। और अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि लास्ट में बोलने की आदत बन चुकी है ना, तो बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय बाय।